दिल्ली पुलिस ने मंगलवार 3 अक्टूबर को न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े करीब 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें दिल्ली एनसीआर में 7 से अधिक पत्रकारों के घर और बिल्डिंग भी शामिल है। न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों पर हो रही कार्रवाई का पत्रकारों और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सहित विभिन्न मीडिया संगठनों ने विरोध किया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। पीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों और लेखकों के घरों पर हुए कई छापों से काफी चिंतित है। हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं और इस बारे में जल्द ही एक विस्तृत बयान जारी करेंगे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पत्रकारों के साथ एकजुटता जाहिर करता है और मांग करता है कि सरकार इस बारे में पूरी जानकारी सबके सामने रखे। वहीं नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट ने दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट और दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने संयुक्त प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि भाषा सिंह, उर्मिलेश, तिस्ता सितलबाड़ और अभिषार शर्मा सहित कई पत्रकारों के घरों पर दिल्ली पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की हम निंदा करते हैं। पुलिस ने इन पत्रकारों के फोन और लैपटॉप भी सीज कर लिए हैं। कुछ पत्रकारों को हिरासत में भी लिया गया है। उन्होंने आगे लिखा कि इन पत्रकारों पर यह कार्रवाई न्यूज क्लिक पोर्टल की ओर से कर्मचारियों और किसानों की खबरों को प्रमुखता से उठाने के बाद की गई है। केंद्र की ओर से प्रेस की स्वतंत्रता खत्म करने का ये एक और प्रयास है। वहीं डीजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन ने दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के घरों पर छापेमारी से डीजीपब बेहद चिंतित है। उन्हें हिरासत में लिया गया है, उनके फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। ये सरकार के मनमाने और डराने धमकाने वाले व्यवहार का एक और उदाहरण है। हम घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। वहीं मुंबई प्रेस क्लब ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुंबई प्रेस क्लब दिल्ली में चल रही घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। जहां न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की है, उनके आवास से उनके फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि रेड के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा हार्ड डिस्क का डेटा भी लिया गया है, कई फाइलें भी जब्त की गई है। खबरों की माने तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में UAPA के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के इस एक्शन के बाद पत्रकार अभिसार शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस उनके घर से लैपटॉप और उनका फोन ले गई है। आपको बता दें कि UAPA के तहत चल रही इस रेड में स्पेशल सेल के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल है। रेड के दौरान इसमें स्पेशल सेल के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी मौजूद रहे। अर्धसैनिक बल के जवान सुरक्षा के लिहाज से साथ रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बन रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।